सरकार के पिछले 9 वर्षों से अधिक के कार्यकाल में निरंतर प्रयास रहा है कि भारत को राष्ट्रीय और वैश्विक मानचित्र में कृषि क्षेत्र में उद्यमशील राष्ट्र बनाया जाए। सरकार ने इस क्षेत्र में बड़ी नीतिगत पहल करते हुए कृषि स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र मार्गदर्शन के लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय संचालन समिति का गठन किया। इसी क्रम में किसानों के लाभ के लिए कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप की क्षमता को उजागर करने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बोलते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि कृषि से जुड़ी समस्याएं लोकल हैं, लेकिन इसके निदान के लिए हमें ग्लोबली सोचने की जरूरत है। Our challenges are unique and I think our solutions also have to be unique. In the sense that our problems are local, but what the startup or agri startup, tech startup and other innovations can bring, I'm looking for global solutions to our problems. कार्यक्रम में भाग लेने आए कृषि स्टार्टअप उद्यमियों ने भी अपने विचार रखे। अभी जो पीपीपी मोड में बात कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। बहुत अच्छा है एंड ऑल द स्पीकर्स दे टोल्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप्स। वी नीड ऑल काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप्स, गवर्नमेंट टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक एंड पब्लिक टू फार्मर्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप्स दैट वी नीड नाउ। हम बात कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन की, एआई की, बट ये तभी सक्सेसफुल होंगे अगर फार्मर उस चीज को समझता है। फार्मर हमारी लैंग्वेज को समझता है, हम कहते हैं अब ये सीड लगाओ, ये क्रॉप करो, उसके लिए ये चाहिए। मेरा जितना स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं उनसे एक ही निवेदन है, 10 चीज़ों पे हाथ मत लगाएं, एक चीज़ को पकड़िए, उसी पे स्पेशलाइजेशन करिए और उसको आगे बढ़ाइए। खूब बड़ी मार्केट है, खूब बड़ी डिमांड है और खूब ही रिक्वायरमेंट है। इस आयोजन के सूत्रधार और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव सैमुअल प्रवीण कुमार ने कहा कि अलग अलग सत्रों में आयोजित चर्चा का मकसद इंडस्ट्री के सहयोग से कृषि क्षेत्र का समग्र विकास करना है। Besides these four breakout sessions, we are also going to have two technical sessions. One CI session on policy support towards strengthening the agri ecosystem. And there will be one session from PhDCCI on agri-tech innovations and the role of social networks in technology adoption. गौरतलब है कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की पहल से कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नई दिल्ली में ये कॉन्क्लेव आयोजित किया गया जो काफी सफल रहा।